एरिया एंड पेरीमीटर पे बेस्ड बेसिक एग्जांपल को समझा था, आज हम उन पे बेस्ड एक्सरसाइज 14.1 को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जबकि साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्या गिवन है आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। सो इट इज गिवन दैट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपको उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 साइड का होल स्क्वायर। अब साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दैट इज अंडर रूट 3/4। साइड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड इनटू साइड, दैट इज 8 × 8। अब 4 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास क्या गया? 18 × 16 × √3। अब रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? रूट थ्री की वैल्यू होती है आपकी 1.732। तो हमारे पास आ जाएगा 16 × 1.732। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा? 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 27.712। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट? यस स्टूडेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ द मेजर ऑफ इट्स ईच डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है और इस स्क्वायर के जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे सामने एक स्क्वायर है, ओके? और इस स्क्वायर का जो डायगोनल है, एक तो ये डायगोनल हो सकता है, एक इसका ये डायगोनल हो सकता है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो सपोज दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ओके? अब देखो स्टूडेंट, आपको इसमें स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है और हमें निकालना क्या है? स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट आपको स्क्वायर की साइड का पता होना चाहिए। तो हमारा पहला टारगेट क्या हो गया? स्क्वायर की साइड निकालना। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस स्क्वायर की साइड है वो ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, ओके? जब इस स्क्वायर की ये साइड ए सेंटीमीटर होगी तो बाकी साइड क्या बन जाएगी इसकी? ए ए सेंटीमीटर बन जाएगी, ओके स्टूडेंट? अब देखो, अब आपके सामने ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में किस थ्योरम का यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करेंगे, ओके स्टूडेंट? तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए सी का स्क्वायर, ओके? पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मतलब
ए का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मींस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 इज इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर। अब 2 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें ए फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो ए के इक्वल में आ जाएगा अंडर रूट 72 सेंटीमीटर। ये हमें इस स्क्वायर की साइड का पता लगे। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सॉरी ट्राइंगल स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, ओके। और साइड हमने क्या फाइंड आउट की, अंडर रूट 72 सेंटीमीटर। तो अंडर रूट 72 इनटू अंडर रूट 72। अब अंडर रूट को अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आप चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा मेथड कौन सा है? देखो स्टूडेंट, जब कभी भी आपको स्क्वायर में जब डायगोनल गिवन हो तो उसका डायरेक्ट एरिया निकाला जा सकता है। तो वो एरिया कौन सा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, ये इसी से वेरीफाई किया गया फॉर्मूला है तो इससे आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायगोनल कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बाय 2। अब इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 144 बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 72 टाइम, तो इसका एरिया आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इफ बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरिमीटर इज 35 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है और आइसोस्केलस ट्रायंगल का मीनिंग क्या हो गया, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ओके, सपोज दैट ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, अब देखो आपको इस आइसोस्केलस ट्रायंगल का बेस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ओके, और आइसोस्केलस की दो साइड मान लेते हैं, इसकी ए बी साइड और ए सी साइड क्या है, इक्वल है, और इस बेस को मैं बी कंसीडर कर लेता हूं। ओके, अब देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अब इस ट्रायंगल में आपको हाइट नहीं दे रखी है तो सबसे पहले तो आप इसकी हाइट निकालो, एक मेथड तो इसका ये होता है, क्लियर। या फिर आप इसकी ये जो दो साइड इक्वल है इसको फाइंड आउट करो, तो ये आपके लिए इजी होगा कि आप इसकी ए साइड है यानी कि ए बी साइड निकाल लो तो आपको तीनों साइड पता लग जाएगा, और जब तीनों साइड आ जाएंगी तो इसका एरिया बिल्कुल इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 35 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, दैट इज ए प्लस बी, सम ऑफ ऑल साइड दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है इसका पेरीमीटर, 35। ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, और बी कितना है, 12 इज इक्वल टू 35। तो 2a इज इक्वल टू 35 माइनस 12 23, और a इज इक्वल टू आ गया 23/2। अब हमने इसकी जो इक्वल साइड थी वो फाइंड आउट कर ली, यानी कि ये साइड कितनी आ गई, 23/2, और ये भी हो गई आपकी 23/2। अब हम विदाउट हाइट से इस
आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज इक्वल टू बी बाई फोर अंडर रूट फोर बी फोर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट। अब देखो स्टूडेंट, ए और बी क्या है, ए का मतलब ये दोनों साइड हो गई इक्वल साइड, और बी का मीनिंग क्या हो गया, इसका बेस हो गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एरिया क्या आएगा, बी, बी का मतलब इसका बेस 12 बाई 4 अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब इसका स्क्वेयर 23 बाई 2 का स्क्वेयर माइनस बेस, बेस आपके पास 12 तो इसका स्क्वेयर, ये आपका 3 टाइम कैंसिल, तो 3 टाइम रूट ऑफ 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होगा 529 अपॉन 4 माइनस इसका स्क्वायर 144, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसके इक्वल में आ गया 3 टाइम अंडर रूट 529 माइनस 144। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 385। अब स्टूडेंट अगर इसका रूट फाइंड आउट करते हैं तो इसके इक्वल में कितना आएगा, 3 इंटू 19.62। ओके, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 385 इज इक्वल टू 19.62 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 58.86 अप्रोक्सीमेट स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया गया। अगर स्टूडेंट आपको इस एरिया का वेरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बना के डालूंगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स पेरिमीटर। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है। सो गिवन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 25√3 और वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25√3। ओके, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, अब ये 4 डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4। ओके, और 25 4 जा 100। ओके, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट करते हैं, सो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 100 और 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, तो साइड के इक्वल में आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर बताना है, और कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड क्या होती है इसकी इक्वल होती है, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड का मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि तीनों ही साइड क्या है इसकी इक्वल है, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कोई फिगर दे रखी है
और आपको बोला है कि ए बी डी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको बेस और हाइट दोनों चाहिए। तो अब इस ट्राइंगल में आपको हाइट तो दे रखी है, अब बेस कौन सा होगा स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, जो हाइट जिस भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी वो उसका बेस होगा। तो सबसे पहले हम इसका बेस फाइंड आउट करते हैं। सो बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए डी, ये इसका बेस होगा। तो ए डी कितना है? 10 प्लस 8 दैट इज 18 सेंटीमीटर। और हाइट आपको दे रखी है, कितनी है? हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, अब इसका एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस कितना है? 18 सेंटीमीटर। हाइट कितने है? 5.5। ये आपका कैंसिल 9 टाइम, तो ये बन जाएगा 9 × 5.5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 5 = 45 तो 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने डॉट डॉट ब्लैक मार्कर से कर रखा है, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उस ट्राइंगल में से हम इस स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे, जो एरिया बचेगा वो शेडेड रीजन ही होगा। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्लियर? देयरफॉर √3/4 इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 4 × 4 माइनस साइड इंटू साइड, किसकी साइड है ये? स्क्वायर की। और स्क्वायर की साइड क्या है? 1 × 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या गया? 4 × √3 माइनस 1 × 1 आपका 1 हो गया। अब रूट थ्री की वैल्यू पुट करेंगे, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 कैरी, 7 × 4 = 28 प्लस 1 = 29, 29 का 2 और 4 × 1 = 4, 4 × 2 कितना हो गया? 6। तो ये आ गया 6.928 माइनस 1, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसका शेडेड रीजन हो गया। अब चलते हैं बी पोर्शन पे। बी पोर्शन में आपको ये एक रेक्टेंगुलर की शेप दिख रही है, क्योंकि ये साइड 3 सेंटीमीटर और ये साइड आपकी क्या है? 5 सेंटीमीटर। और ये आपको क्लियर दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, रेक्ट एंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लेप्स कर देंगे तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन
इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, एल इंटू बी। एल क्या है इसकी, ये, और बी क्या है इसकी, थ्री। तो फाइव इंटू थ्री माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर का मतलब हो गया टू इंटू टू, टू टू जब फोर, फोर से फोर कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया आपका फिफ्टी, और माइनस रूट थ्री, और रूट थ्री की वैल्यू आपको पता है, तो 15 माइनस 1.732। अब 15 में से हम 1.732 लेस करेंगे तो कितना आएगा 13.268 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सेड रीजन हो गया। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, कंप्लीट द गिवन टेबल। तो देखो स्टूडेंट, आपको एक तरफ है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरी तरफ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करना है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट थ्री बाई फोर साइड का होल स्क्वायर, ओके, और इसके इक्वल में कितना है 36 रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, 4 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, सो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इनटू 4 मतलब 144, साइड स्क्वायर के इक्वल में 144, तो साइड के इक्वल में क्या आएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो इस खाली जगह पर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो अब की बार आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइड दे रखी है, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, साइड गिवन है, एरिया कितना होगा, तो वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर, साइड कितने आपके पास 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 20 इंटू 20। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कैंसिल हो गया 5 टाइम, कितने टाइम 5 टाइम, तो ये आ गया आपके पास 100 इंटू रूट 3। अब रूट थ्री की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री की वैल्यू है आपकी 1.732। अब अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके डाउन में कितना आ जाएगा 1000, दो जीरो आपके कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 173.2, ये इसका एरिया आ गया, कितना एरिया आएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो सी वाला पोर्शन, सी में आपको अगेन ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, आपको साइड फाइंड आउट करनी है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है इसमें, इक्विलेटरल का रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर, तो इसका एरिया भी आपको गिवन है 16 रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस स्क्वायर के इक्वल में 16 4 जा 84। ओके, और एस के इक्वल में कितना आ जाएगा 8, तो यहां से इसकी साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। अब अगेन आपको साइड दे रखी है, एरिया निकालना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है रूट थ्री बाई फोर साइड इंटू साइड, दैट इज 16 इंटू 16, ये आपका कैंसिल हो गया 4 टाइम, ये कितना बन गया 64 इंटू रूट थ्री, और रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 1.732 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 7 4 जा 28, प्लस 1 29, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 2 कितना हो गया 6, इंटू 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, 1 7 6 जा 42, प्लस 43, 4 कैरी, 6 1 जा 6,
सिक्स और फोर टेन, एट फोर नाइन नाइन एटीन, सिक्स थ्री टेन और ये आपका हो जाएगा वन। कितने पहले इस पे जीरो, थ्री पहले इस पे, तो ये आ गया 110.848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।